हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आपको एक बताने वाला हूं कि जिस दो सेटिंग अगर आपने ऑन करके नहीं रखी हैं, आप न्यू यूट्यूबर हैं और आपने जिस सेटिंग्स ऑन नहीं करी हैं, साइड में देखते जाइए, मैं अपना चैनल का बता रहा हूं, तो इस वजह से आपके ना व्यू बढ़ रहे हैं। अगर आपके जो भी लॉन्ग या शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं तो उसमें व्यू नहीं आ पा रहे हैं, और अगर आप यूट्यूब पर लाइव भी आ रहे हैं तो व्यू नहीं आ पा रहे हैं। देखिए मेरी लाइव में भी हजार हजार व्यू आराम से आ रहे हैं, उससे ज्यादा ही आ रहे हैं। तो ऐसी क्या कारण है जो मैं कर रहा हूँ आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दो ऐसी सेटिंग में बताने वाला हूँ, तो आप प्लीज देखिएगा पूरा वीडियो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ही सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत सी माताएं बहने हैं, बहुत से भैया हैं जिनको नहीं मालूम कि अभी किस चीज़ पे हम फोकस करें। आप वीडियो बहुत अच्छा बना रहे हो, देखिए आपके व्यू आने लगेंगे, आपका कंटेंट में भी दम होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो सेटिंग अगर आप कर लेंगे तो आपको फायदा होगा। वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप साइड में देखिए, जे मैंने मेरा चैनल ओपन कर रखा है। आप किसी भी वीडियो पे जाएंगे, सबसे पहले आपको नीचे जो कंटेंट में जाना है, कंटेंट में आप जैसे ही जाएंगे तो आपके वीडियो खुल जाएंगे। तो देख सकते हैं, मैं आपको कोई सा भी वीडियो खोल के बता देता हूँ, मैं जे वाला वीडियो बता रहा हूँ। इस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, थ्री डॉट पे आपको जाना है। थ्री डॉट पे आप जाएंगे तो जहाँ पे आपको एक एडिट वाला ऑप्शन आएगा, तो आपको वो एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। आप ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आए तो थोड़ा पीछे करके फिर से सुनिएगा। उसके बाद आपको एडिट वाले ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ मोर ऑप्शन करके एक चीज़ आ रही है, आपको इसको ओपन कर लेना है। आप साइड में देखते जाइए, मोर ऑप्शन वाले वीडियो में जाने के बाद यहाँ पे आप थोड़े से नीचे आएंगे, देखिए टैग लिखा है, रीमिक्स लिखा है, कैटेगरी लिखा है, तो आपको कैटेगरी वाला पे चले जाना है। अब जैसे ही आप कैटेगरी पे जाएंगे तो कैटेगरी पे इतनी सारी कैटेगरी खुल गई, आपका जिस भी कैटेगरी का चैनल है उस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए या कॉपी पेन करके एक जगह लिख लीजिए। देखिए अगर आप कार ड्राइविंग वगैरह कार का चैनल है तो कार पे सिलेक्ट करिए, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं तो कॉमेडी सिलेक्ट करिए, एजुकेशन या पढ़ाई का बनाते हैं तो एजुकेशन करिए, हंसी मजाक या मनोरंजन बनाते हैं तो एंटरटेनमेंट करिए, फिल्म या एनिमेशन कार्टून बनाते हैं तो इस पे करिए, गेम का बनाते हैं तो गेमिंग पे करिए, लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं तो इस पे करिए, आप म्यूजिक वगैरह का बनाते हैं तो इस पे करिए, राजनीति या म्यूजिक न्यूज का बनाते हैं तो इस पे करिए, कुछ भी नॉन प्रॉफिट कुछ बताते हैं चीज उस पर करिए, अगर आपका ब्लॉग का चैनल है तो पीपल ब्लॉग पर चलिए, जानवरों के बारे में बताते हैं तो पेट एनिमल पर करिए, टैग का चैनल है तो टैग पर करिए, स्पोर्ट्स का चैनल है तो स्पोर्ट्स पर चलिए, आप घूमते हैं ट्रेवल वगैरह बताते हैं तो ट्रेवल पर करिए। इतनी सारी कैटेगरी है आपका, इसके अलावा आपको डिसाइड करना पड़ेगी कि आपकी इनमें से कौन सी कैटेगरी में आता है, उस पर आपको सबसे पहले चूज करना है। देखिए आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरी लाइव में जुड़िए या मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा चूज करना है। और एक कैटेगरी पकड़ के चलेंगे, देखिए मुझे 3 साल हो गए यूट्यूब पे, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, अगर आप एक कैटेगरी पर काम नहीं करेंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा, आपका बिल्कुल वीडियो डाउन हो जाएगा। एक तो ये सेटिंग करना है, दूसरी सेटिंग और मैं बता देता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ऊपर ही ऑडियंस वाला सेक्शन है, आपको ऑडियंस वाले सेक्शन में चले जाना है। ऑडियंस वाले सेक्शन में देखिए मेरा 9 पे क्लिक है, आपका 9 पे है कि यस पे है, जे आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं, आपको 9 पे ही टिक करना है, अगर आप यस में कर देंगे तो आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, बच्चों की आईडी पे जाएगा और बच्चों की आईडी बहुत कम होती है तो आपका वीडियो नहीं चलेगा, उस पर कमेंट भी ऑफ हो जाएंगे। तो आपको 9 पे ही जाना है, 9 पे करने के बाद आपको जी सेटिंग ऑन कर देना है। जे सारी सेटिंग जब तक आप ऑन नहीं करोगे, जो दो सेटिंग, तो आपके व्यूज बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जे सेटिंग बहुत काम की सेटिंग्स है, इसी से आपके व्यू और सब्सक्राइबर आ सकते हैं, लेकिन हम जो सेटिंग्स ऑन नहीं करते हैं जिस वजह से हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एनालिटिक में जाना है। एनालिटिक में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको टॉप कंटेंट में क्लिक करना है। देखिए टॉप कंटेंट आपका जिस भी कैटेगरी, देखिए शॉर्ट चल रहा है या लॉन्ग चल रहा है, जो भी कंटेंट आपका चला है पिछले 28 दिन में, उस कंटेंट पे आप वीडियो बनाइए। उस कंटेंट पे आप वीडियो बनाएंगे तो आपका व्यूज 100% आएगा। 7 दिन का भी देख सकते हैं, देखिए 7 दिन में भी मेरे लगभग वही कंटेंट चल रहा है। तो इन चीज़ों पर आप फोकस करिए, इन चीज़ों को आप
लागू करिए। अगर इन चीज़ों की आप सेटिंग कर लेते हैं तो आपके व्यूज आने लगेंगे, भले ही आप न्यूज़ यूट्यूबर हो, आपने चाहे अभी चैनल बनाया हो। देखिए जी, सेटिंग ऑन करने के बाद 6-7 दिन तो लगेंगे, 6-7 दिन वेट करिएगा, उसके बाद आपके व्यू आने लगेंगे। किसी को कोई कमेंट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक है, वो भी कर सकते हैं। और मेरे में कमेंट आया था कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे डिस्क्रिप्शन बनाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।